वर्जिल ने रेगिस्तान में एक पीले पत्थर की खोज की है। वो जैसे ही उस पर से धूल को हटाता है तो उसे महसूस होता है कि ये वास्तव में एक सोने का पत्थर है। इसलिए वर्जिल अपने साथी कीथ को बुलाता है और गोल्ड की पुष्टि करने के लिए ये दोनों इसे एक बर्निंग लाइटर से जलाते हैं, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि ये रियल में गोल्ड ही है। अब इस सोने के पत्थर को निकालने के लिए ये दोनों इसके चारों ओर खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन कई घंटे खोदने के बाद भी ये इस सोने के पत्थर को नहीं निकाल सके, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर है। ये दोनों इसे अपने हाथों से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसे थोड़ा सा भी हिला नहीं सके। अब काफी मशक्कत करने के बाद ये दोनों इसे अपने पिकअप ट्रक से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का पत्थर ज्यादा बड़ा होने के कारण इनकी रस्सी टूट जाती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, तो ये दोनों यहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को ये उस सोने के पत्थर को निकालने की नई योजना के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें ये फैसला करते हैं कि वर्जिल सोने की रखवाली करेगा और कीथ शहर जाकर एक खुदाई करने वाली मशीन लेकर आएगा। अगली सुबह कीथ वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन और साथ में कुछ खाने पीने का देकर शहर की ओर चला जाता है। अब वर्जिल उस सोने के पत्थर के पास एक टेंट लगाकर कीथ का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, क्या कीथ वापस आएगा? कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।